उधर अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने हिंद महासागर के पास मौजूद भारतीय नौसेना के एक अहम अड्डे का दौरा किया, जिससे चीन की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि यह भारतीय नौसेना का वो अड्डा है जहां अमेरिका की रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी MQ-9 के प्रेडेटर ड्रोन तैनात है। इन ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। अमेरिका के इन आधुनिक ड्रोन को भारतीय नौसेना ने 2 साल की लीज पर लिया है, जिन्हें हिंद महासागर के इलाके में चीन की बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए इन्हें तैनात किया गया है। और माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद अमेरिकी कंपनी और भारतीय सेना के बीच एक बड़ी डील पर मोहर लग सकती है, जिसके तहत ऐसे 30 ड्रोन भारतीय सेना को मिलेंगे, जिनमें 10 ड्रोन आर्मी, 10 नेवी और बचे हुए 10 ड्रोन का इस्तेमाल एयरफोर्स करेगी, ताकि चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इधर रिलायंस रिटेल की कंपनी ट्रेंड्स फुटवेयर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ट्रेंड्स फुटवेयर रिटेल मार्केट में तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है, जिसके लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2 दिन पहले ही दोनों की शादी हुई। रिलायंस रिटेल की कंपनी ट्रेंड्स फुटवेयर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दोनों ने खुशी जताई। पग न तू पीछे हटा, आ वक्त से मुठभेड़ कर। पग न तू पीछे हटा, आ वक्त से मुठभेड़ कर, हाथ में पतवार ले, तूफान से बिल्कुल न डर। सौबात की एक बात कही महावीर ने, जिंदगी है बेवफा ये बात तू भी जान ले, अंत तो होगा यकीनन, मौत से पहले न मर। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तुर्की से सामने आ रही है। सोमवार को आए भूकंप में अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और सीरिया में मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दुनिया के 45 देशों ने तुर्की को मदद करने की पेशकश यहां पर की है। बहुत से देश हैं जो अब तक मदद के लिए आगे आ चुके हैं, जिनमें भारत यहां पर सबसे पहले आगे आया और अपनी तरफ से पूरी मदद यहां पर की गई। गुजरते हर पल के साथ मौत का बढ़ता आंकड़ा सामने आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में मौत से लड़ती ऐसी कई जिंदगियां हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। हिंदुस्तान के जवान इस वक्त भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की में मोर्चा संभाले हुए हैं। NDRF की कई टीम मलबों में बची सांसों को सुरक्षित निकालने में युद्ध स्तर में जुटी हुई है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या भूकंप इतना बड़ा था कि तुर्की की जमीन 10 फीट खिसक गई। News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।